प्यारे बच्चों, हम सभी इस बीजगणित में एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। इसके आगे आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस बी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां पे ए का क्रॉस प्रोडक्ट इसमें करेंगे, पहले ए का इस पूरे में करेंगे, फिर बी का इसके पूरे में करेंगे, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो ए क्रॉस बी। बी का इसमें करेंगे माइनस बी क्रॉस ए और इसके साथ करेंगे तो प्लस बी क्रॉस बी। आपको पता है किसी भी सदिश का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, तो ए क्रॉस ए जीरो और बी क्रॉस बी जीरो। तो और एक चीज और सूत्र आपको बता चुके हैं कि अगर ए क्रॉस बी है तो उसको माइनस में बी क्रॉस ए आप लिख सकते हैं, या माइनस बी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। ये सूत्र हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा और प्लस ए क्रॉस बी माइनस की जगह ये प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा इस सूत्र से, और ये जीरो, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 10.4। ये आपको दिया हुआ है प्रश्नानुसार, क्या दिया है, 2i प्लस 6j 27k इसका क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k बराबर जीरो। अब क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा से इसको सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये आई जे के, इस वेक्टर के आई जे के गुणांक लिखे, तो सबसे पहले यहां आई का गुणांक 2, जे का 6 और ये 27, यहां आई जे के गुणांक 1 लैम्डा और म्यू, और ये बराबर किसके दिया हुआ, जीरो के। अब इसका प्रसार करिए, प्रसार आपको बता चुके हैं, ये स्तंभ हटाएंगे, ये पंक्ति हटाएंगे, तो इस आपके पास ये द्वितीय कोट की सारणी 6, 27 लैम्डा और म्यू ये बचेगा, माइनस का जे। अब ये स्तंभ हटाएं, ये पंक्ति हटाएं, तो 2 और 27 और नीचे 1 और म्यू और प्लस के। अब ये स्तंभ हटाइए, ये पंक्ति हटाइए, तो ये बचा आपके पास 2, 6, 1 और ये लैम्डा, ये बराबर जीरो। अब इसका गुणा करिए और इसके गुणनफल से इसको घटाइए, तो क्या हो जाएगा, आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस का जे 2 म्यू माइनस 27 और प्लस का के 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर जीरो। अब आप इसको हम इधर जीरो वेक्टर है तो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के इस रूप में लिख सकते हैं जीरो वेक्टर को। तो आप दोनों पक्षों की यहां तुलना करिए, तुलना से आई का गुणांक तुलना करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर जीरो, तो 6 म्यू बराबर या इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, और यहां से दूसरा आएगा जे का गुणांक माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर जीरो, या 2 म्यू
माइनस 27 बराबर 0, 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर 27 बटे 2। और के का गुणांक 0 बराबर करेंगे, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 3। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, ये दो आंसर आ गए आपके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां में संकेत ये छठा करते हैं। आइए छठा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारी समझ से आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। 6 है, दिया हुआ है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 तथा ए क्रॉस बी बराबर 0, तब ए और बी के बारे में निष्कर्ष क्या आप बताएंगे? फर्स्ट थिंग, यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, ये होगा, और या ये हो सकता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर, अर्थात इनके जो बीच का कोण थीटा है वो 90 हो, क्योंकि थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90, कॉस 90 0, तो ये कंडीशन है। ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है। बी यदि ए क्रॉस बी 0 है तब भी दो कंडीशन, दो केसेस बनते हैं, एक या तो यहां पर भी ए 0 हो या बी 0 हो तब 0 होगा ये, और या फिर वेक्टर ए समांतर हो वेक्टर बी के, क्योंकि ए और बी जब समांतर होंगे तो तब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, और उस केस में ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करोगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, तो साइन 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा और साइन 180 रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे ये बात आती है कि क्या कह सकते हैं ए और बी के बारे में। पहली चीज, हम यदि हम माने माना वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 तथा वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0, जब ए और बी दोनों 0 नहीं है तो ये दोनों एक साथ शर्तें तभी लागू होंगी जब इसकी ये कंडीशन, ये कंडीशन यानी थीटा 90 हो और या थीटा 0, यानी दोनों समांतर भी हो और लंब भी हो, तब ए डज नॉट इक्वल टू 0 बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी एक साथ समांतर हो और एक साथ लंब हो, जो कि संभव नहीं है। कोई भी रेखा ए डज नॉट इक्वल टू 0 बी डज नॉट इक्वल टू 0 होने पर वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों एक साथ समांतर व लंब हो रही हैं, जो कि संभव नहीं है। दोनों एक साथ समांतर भी हों और लंब भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। तो अतः ये वाली शर्त लागू नहीं होगी। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ए बराबर 0 व बी या बी बराबर 0 होगा, यही आंसर, या तो ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम संकेत कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको यह सिद्ध करना है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको कैसे करेंगे, ए और यहां दिया हुआ है, आप सबसे पहले बी प्लस सी याद करिए, वेक्टर बी और सी को जोड़ दीजिए। जोड़ते कैसे, आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ, और इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए के साथ, जो जोड़ने पे आएगा उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप ज्ञात करने से पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करिए, जैसे सारणिक विधि से करते हैं, और ए क्रॉस सी ज्ञात करिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आप देखेंगे कि ये इसका जो मान है और इसका जो मान है सेम आ रहा है, तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ है यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब ए क्रॉस बी बराबर 0। और तो यहां पर अब ये बताना है क्या एक इसका विलोम सत्य है, क्या ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0 होगा, ये हमको बताना है। आइए देखते हैं, और इसको बताना है, उत्तर की पुष्टि भी करना है, उदाहरण से उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो हम मानते हैं, माना वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर बी बराबर थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के, ऐसे हमने मान लिया। अब यहां पर ए क्रॉस बी दिखाते हैं, चूंकि यहां ये दोनों समांतर हैं तो ए क्रॉस बी 0 होगा, आप दिखा सकते हो, और ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों सदिश ए और बी 0 नहीं है, तो ए क्रॉस बी का मान यहां पर देखिए आई जे के 1 1 1 3 3 3। अब आप आई इसका प्रसार करिए, ये स्तंभ हटाइए, पंक्ति हटाइए, तो 3 - 3 आएगा, माइनस का जे, ये स्तंभ हटाइए, ये पंक्ति हटाइए, तो ये 1 - 3 और प्लस करके ये स्तंभ हटाइए, ये पंक्ति हटाइए, तो 3 - 3, तो ये हो जाएगा आई इंटू 0 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0, और सबको जोड़ेंगे तो ये 0। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ए क्रॉस बी बराबर 0 होने पर ए डज नॉट, वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 तथा वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0, ये दो एक इसके 0 होने पर ये दोनों 0 नहीं है, अतः विलोम सत्य नहीं है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप इस अभ्यास के अन्य क्वेश्चन करते रहेंगे, जो नहीं आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे। धन्यवाद।